डिलीवरी के कितने समय बाद सेक्स करें, इसके बारे में काफी सारे सवाल हमें आते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। डिलीवरी होने के बाद में यदि नॉर्मल डिलीवरी है, वजाइनल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, तो वो होने के बाद कितने समय के बाद में हमने सेक्स करना है, ऐसे काफी सारे सवाल स्पेशली नौजवान पूछते रहते हैं। एक तो क्या है कि डिलीवरी के बाद में महिला जो है, स्त्री जो है, वो अपने बच्चे में बहुत मशगूल हो जाती है। उसका खान पान, दूध पिलाना, शिशु निकालना, और उसको बाकी कुछ सूझता भी नहीं है। एक तो क्या है कि प्रेगनेंसी के 9 महीने बहुत टेंशन के रहते हैं, बाद में डिलीवरी जब होती है एक्चुअली, तो उस समय बहुत उसको थकान आ जाती है, टायर्डनेस आ जाता है, और बाद में फिर उसको वहीं से मतलब धीरे 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 बाहर निकलने को टाइम लगता है। आदमी का क्या रहता है, पुरुष का, कि उसको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर उसको लगता है कि भाई सेक्स कब करूं, सेक्स करना चाहिए, वो डिमांड करता है, और स्त्री नहीं बोलती रहती है। यूजली क्या है कि लोशिया नाम का फ्लूइड, जो फ्लूइड निकलता है आफ्टर डिलीवरी, वो करीब करीब 7 दिन से लेकर 40 दिन तक निकलता रहता है, उसको बोलते हैं लोशिया, LOCHIA, लोशिया। और उसमें शुरू में 2-4 दिन पर ब्लड रहता है, म्यूकस रहता है, मतलब स्टिकी येलोइश व्हाइटिश पदार्थ रहता है, सिक्रीशंस, और वो आते रहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक चले रहते हैं। तो फिर जब सेक्स करना ही है तो पहले 40 दिन सेक्स अवॉइड करना चाहिए, ये वजाइनल डिलीवरी है। तो पुरुष को यदि रहा नहीं जाता है, वो डिमांड करता है, तो हम फोर प्ले कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, सिर्फ इंटरकोर्स जो है, पेनिट्रेशन, वजाइना में पेनिट्रेशन करना, वो 40 दिन तक टालना चाहिए। और करना ही है तो फिर नेचुरली आप कंडोम के साथ में करो, कंडोम लगा के, क्योंकि कितने दिन तक प्रेगनेंसी फिर से सेकंड प्रेगनेंसी नहीं होंगी आपको मालूम नहीं है, ओविलेशन फिर से कब स्टार्ट हो जाएगा तुरंत मालूम नहीं है। कुछ कुछ औरतों का 4 महीने 6 महीने के बाद में ओविलेशन चालू हो जाता है, किसी का तो 2nd महीने में चालू हो जाता है। तो फिर आप इंटरकोर्स करेंगे, यदि सेक्स करेंगे, तो हो सकता है कि 2nd प्रेगनेंसी तुरंत ठहर जाएगी। तो इसलिए आपने ये अवॉइड करना है, बिना कंडोम का सेक्स करना। यदि ऑपरेशन के बाद में यदि डिलीवरी होती है, तो डेफिनेटली वुंड हील होने तक सेक्स अवॉइड करना जरूरी है। हो सकता है कि 1 महीना लगे 1.5 महीना लगे 2 महीने लगे, जब तक वो पूरी उसको ताकत आती नहीं है, फिजिकली फिट नहीं रहती है, तब तक सेक्स टालना चाहिए। सीजीरियन बोलो या डिलीवरी बोलो, जब तक नॉर्मल पीरियड्स चालू नहीं होते हैं, तब तक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस नहीं रहते। मगर नॉर्मल पीरियड्स चालू हो गए एक बार, तो फिर प्रेगनेंसी रहने के चांस रहते हैं। तो फिर नॉर्मल पीरियड चालू होने के बाद में तो डेफिनेटली कंडोम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और उसके पहले भी यदि ओविलेशन कभी भी चालू हो सकता है, तो कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यदि वजाइनल डिलीवरी में नीचे से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो लूजनेस, कभी ऐसा लगता है कि लूज है, लूज हो गया है वजाना, तो फिर उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। कुछ टाके डालना है तो टाके डाल सकते हैं। ऐसा कुछ लगा कि बहुत ही लैक्सिटी है, लूज हो गया है, और इंटरकोर्स करने में मजा नहीं आ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, उनका चेक करके फिर लूजनेस जो है वो आप टाइट कर सकते हैं। यदि डिलीवरी के समय टाके पड़े हुए हैं, तो भी वो टाके पूरे हील होने के समय तक इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट ये है कि डिलीवरी के करीब करीब आप समझ के चलो 2 महीने तक सेफली 2 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। बाद में किए तो चलता है, और बाद में भी विद कंडोम इंटरकोर्स करना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप
टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।